मैं हारा क्या? मैं हारा क्या? नहीं, आपका टीवी नाइन की बहुत ही बदतमीजी की न्यूज थी आपकी। टीवी नाइन को अगर चमचागिरी करना है रूलिंग पार्टी की तो चमचागिरी करो, मगर हर बार हमारे कंधे पे रख के अपनी मुनाफिकत दिखाने के लिए मत करो। टीवी नाइन को जिम्मेदारी से न्यूज डालना चाहिए। किसी का गुस्सा आप मेरे पे क्यों निकाल रहे भाई? हारे आप, जीते आप, नहीं आप क्या करे? अरे मेरा मेरे से क्या ताल्लुक भाई? मैं ओएसी बिहार में चले गए, आपको क्या मालूम मैं क्या कर क्या रहा क्या नहीं करा? तो ये जो है ना, ये बस तलवे चाटने की जो पॉलिसी है वो मत करो प्लीज। बहुत लोग दस्तक देते, दस्तक देना है दस्तक देते, दस्तक देने से क्या होता, जब घनगरज होंगी तो दस्तक बुझ जाती ना उसमें। आज एक बड़ा खुशी और तारीखी दिन है हमारी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि बिहार प्रदेश में MIM पार्टी को बिहार की जनता ने न सिर्फ अपने वोटों से बल्कि अपनी मोहब्बतों से इतना नवाजा कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि कैसे मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकूं। मगर मैं सबसे पहले अल्लाह सुबहाना व ताला का शुक्रिया अदा करता हूं कि अल्लाह के फजल व करम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक तारीखी कामयाबी बिहार में मिली है। मैं साथ ही साथ जो हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं जनाब अख्तर अली मान साहब का और जनरल सेक्रेटरी आफताब साहब का, आदिल साहब का और तमाम बिहार के मेरे पार्टी के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी बड़ी सख्त जिद्दोजहद और मेहनत रही और उसी मेहनत का नतीजा रहा कि आज हमको एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई। साथ ही साथ मैं हमारे जो MIM पार्टी के ऑब्जर्वर जनाब माजिद साहब जो हैदराबाद के साबिका मेयर रहे हैं, जो पिछले 5 साल से रेगुलर बिहार को जा रहे हैं और अख्तर अली मान साहब के साथ उन्होंने पार्टी को मजबूत किया है, मैं उनका और जो हैदराबाद से महाराष्ट्र से इम्तियाज़ जलील साहब आए, डॉक्टर गफ्फार खादरी, सैयद मोइन, फिरोज लाला और उत्तर प्रदेश से हमारे शौकत साहब, ये तमाम लोग वहाँ पर आकर कई दिन 20 दिन कैंप किए, मेहनत किए, इनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं इस मौके पर जनाब कुशवाहा साहब का, बहन मायावती का, देवेंद्र यादव साहब का, राजभर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम लोग उनके साथ ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट बनाए, हमने साथ इलेक्शन लड़ा। और मैं सीमांचल की जनता का दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब किया। और मैं उनको तयखुन देना चाहता हूँ कि हमने हमेशा इस बात को कहा है कि जब हमने बिहार में अपनी सियासी सफ़र का आगाज़ किया तो हम इस बात का वादा किए थे और आज भी हम ये कह रहे हैं कि हम सीमांचल से इंसाफ कराएंगे। सीमांचल की सरजमीन पर बसने वालों से पिछले 60 साल से इंसाफ नहीं हुआ, वो ना सिर्फ बिहार बल्कि पूरे भारत का सबसे पिछड़ा इलाका है, इसीलिए सीमांचल से इंसाफ की लड़ाई ये जारी रहेगी। और जो हमको सीमांचल की जनता ने हमारे उम्मीदवारों को वहाँ पर विधायक बनाया है, इंशाअल्लाह ताला हम उनके भरोसे पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। जो वहाँ के मसाइल हैं, जो वहाँ का बैकवर्डनेस है, जो वहाँ पर बाढ़ आने के बाद जो जमीन कटती है, वहाँ पर स्कूल डिग्री कॉलेजेस नहीं है, अस्पताल नहीं है, ये सब चीजें हैं जिस पर हमको हमारे पूरे विधायक मिलकर इस पर पूरी कोशिश करेंगे। और जो भरोसा और एतमाद हम पर किया गया है, हम इंशाअल्लाह ताला उसकी पूरी मेहनत करेंगे और जो हमने आवाम से वादे किए थे उसको पूरा करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। मैं फिर से बिहार प्रदेश की जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप
आपने हमको अपनी मोहब्बतों से, अपने आशीर्वाद से, अपने वोटों से नवाजा है। हम 21 कैंडिडेट खड़ा किए थे और उसमें से 5 कामयाब हुए हैं। जहां पर हमको कामयाबी नहीं मिली, हम वादा कर रहे हैं कि हम फिर से वहां पर जाएंगे। क्यों हमको नाकामी हुई, उसकी क्या वजूहात हैं, उसको हम अपनी कमजोरियों को दूर करेंगे और बिहार में हम एक पहले इससे ज्यादा हम एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बनने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं साथ ही साथ बिहार की जनता का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस कोरोना के वायरस के दौरान भी निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल किया। ये बड़ा ही उनका बेबाकी का काम था और बड़ा ही बहादुरी से उन्होंने निकलकर भारत की जमहूरियत को, बिहार के जमहूरियत को इलेक्शन में हिस्सा लिया। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, ये आपने बिहार से आमद की थी, उस सीट को, किशनगंज की सीट को आप हार गए, क्या कमी है? मैंने जैसा कहा अभी के यकीनन कोई ना कोई कमजोरी होगी, खामी होगी, जिसकी वजह से हमने वहाँ की आवाम का एतमाद हासिल नहीं कर सके। इस पर हम बैठकर बात करेंगे जनाब कमरुल्लाह साहब से और उन कमजोरियों को दूर करेंगे और इंशाल्लाह ताला हम दोबारा उस सीट को, उस पर कामयाबी हासिल करेंगे। सर, आप तकरीबन 15 दिन वहाँ पे कैंपेनिंग किए और 50 से भी ज्यादा सभाएं किए, तो कैंपेनिंग के दौरान आपने क्या देखा और ये जो नतीजे आए हैं उसको कैसा आंकते हैं सर? मैं वहाँ पर 65 सभाएं मैंने की जनाब कुशवाहा साहब के पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए, बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए, और फिर उसके बाद हम अपने पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए कैंपेनिंग में हिस्सा लिए। तो हमारा तो मकसद ये था कि हम कुशवाहा साहब को अपना चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनाकर पेश किए थे। हम तो इस डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट के लिए हम मेहनत कर रहे थे। अब तक जो नतीजे आए वो हमारी क्या बोलना चाहिए, हमारी ख्वाहिश के बरक्स हैं, उसके अपोजिट है। अब जो नतीजा है, जो भी है, अब तक जितना आया, अभी काउंटिंग चल रही है, ये तो बिहार की जनता का फैसला है और जमहूरियत में आवाम का फैसला जो होता है वो नतीजा वही निकलता है। तो अब मैं कौन होता हूँ जब इतने बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट उनके प्रेडिक्शन गलत निकले। तो असदुद्दीन ओवैसी तो ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार है, तो हम तो अपना जो काम करना था हम किए। अब देखिए, फाइनल नतीजा जब आता है जब ही कुछ बताया जा सकता है। फाइनल नतीजा अगर जरूरत पड़ी तो क्या आरजेडी के साथ जाएंगे सर? देखिए प्रसाद साहब, हमारी लड़ाई जो है सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई रही है और मैंने अभी शुरुआत में ये कहा कि सीमांचल न सिर्फ बिहार बल्कि भारत का सबसे बैकवर्ड एरिया है और जितनी पार्टीज को उनको सत्ता मिली, इख्तदार मिला, उन्होंने सीमांचल से इंसाफ नहीं किया। मिसाल के तौर पर जितने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो या तो पटना, नालंदा या फिर दरभंगा के अतराफ में बनाए गए। एम्स लाया गया तो सीमांचल को उससे महरूम कर दिया गया। एक गवर्नमेंट का अस्पताल सीमांचल में नहीं है। हर साल बाढ़ की वजह से हजारों एकड़ जमीन कट जाती है, फसल बर्बाद हो जाती है और फसल का उनको मुआवजा जो 3 डिसमिल जमीन मिलना या उसका मुआवजा मिलना वो नहीं मिलता। सबसे ज्यादा पलायन वहां के नौजवान दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जाकर वहां के खेतों में काम करते हैं। तो इसलिए हमारे लिए सीमांचल का डेवलपमेंट और मैंने आपको याद दिलाना चाहता हूं कि बहसत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैंने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल भी पार्लियामेंट में दिया था कि आर्टिकल 371 के तहत एक रीजनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाया जाए, जिस तरह हैदराबाद कर्नाटक रीजन में बनाया गया था, क्योंकि जब तक वो बनता नहीं उस इलाके से इंसाफ नहीं होगा। तो सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई हमारे लिए बहुत अजीज है, बहुत करीब है और हम उस लड़ाई को जारी रखेंगे। आपके सवाल का जवाब उसी वक्त दिया जा सकता है जब पूरे रिजल्ट सामने आ जाएंगे, किस पार्टी के पास कितने एमएलए जीते, उसके बाद हम फैसला लेने के मौके में रहेंगे। मगर मैं आपको इतना बताऊंगा कि हमारे जो 5 एमएलए हैं और हमारे जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष जनाब अख्तर उलीमान साहब, मैं उनसे भी बात करूंगा, उनसे भी हम लोग बात करके उनसे पूछेंगे, उनका मशवरा लेंगे
और उसके बाद जब शाम में पूरे नतीजे आएंगे वो देखकर फिर कुछ फैसला लिया जाएगा। अभी 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 इस पर मैं कैसे बताऊंगा। अब देखिए इफ्स एंड बट्स में मत बात करिए, जब पूरा नतीजा सामने आ जाएगा। अभी भी काउंटिंग चल रही है, अभी 60-70 लाख वोट अभी अभी काउंटिंग होना बाकी है, तो हर पार्टी